हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आज मैं लेकर आ गया हूँ टेकोटो का एक और नया वीडियो, जिसमें आज हम रिव्यू कर रहे हैं बजाज पल्सर 250 एफ को। एंड ये बाइक अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई थी और इसमें आपको 3 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो चलो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। इसमें मैं आपको सारे फीचर्स इस बाइक के बताने वाला हूँ, क्या क्या इसमें देखने को मिल जाता है एंड कितनी ये पावर वगैरह आपको दे रही है वो सब कुछ बताऊँगा। और अगर आप मेरठ या मेरठ के नियर बाय सिटी से हैं तो आप विजेता बजाज से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, यहाँ पर आपको हर एक बाइक मिल जाएगी, इवन KTM एंड हस्क्वर्ना भी। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। उससे पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना ऐसी वीडियोस देखने के लिए, एंड इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। फ्रंट सेक्शन से बात करते हैं इसकी। आप देख सकते हैं इसमें हमको LED DRLs देखने को मिल रहे हैं एंड जो हेडलैम्प है प्रोजेक्टर देखने को मिलता है। हेलो जन है या LED है देख लेते हैं। LED प्रोजेक्टर आपको हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल एंड छोटे से स्पोर्ट्स इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाता है। हेडलाइट सेक्शन बिल्कुल ही चेंज होकर के आया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड अट्रैक्टिव लग रहा है मेरे को तो। एंड ये फोल्डेबल मिरर्स इसमें आपको देखने को मिलता है, छोटा सा मास्क एंड बजाज की आपको बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है एंड ये मैट बैजिंग है। इसमें आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें कोई भी हैजार्ड स्विच नहीं देखने को मिल रहा है। इंडिकेटर्स आपके इसमें नॉर्मल इंडिकेटर्स हैं, मतलब फ्लेक्सिबल है, LED है, देखो LED में है, बट इसमें कोई भी हैजार्ड स्विच आपको नहीं दिया गया। एंड जो सस्पेंशन दिया गया है वो आप देख सकते हैं नॉर्मल सस्पेंशन अपसाइड डाउन देखने को मिल जाता है। फ्रंट टायर आपका 17 इंचेस का देखने को मिल रहा है, 100:80 के रेशियो में ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। विद अलॉयज आता है, अलॉयज मैं आपको एक बार साइड से दिखा देता हूँ, पूरा प्रॉपर अलॉयज आप देख सकते हैं। एंड जो ब्रेक्स हैं इसमें डुअल चैनल ABS देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें आपका फ्रंट डिस्क 300 mm का है एंड रियर डिस्क आपका 230 mm का डिस्क देखने के लिए मिल जाता है। हॉर्न इसमें आपको 2 हॉर्न देखने को मिलते हैं एंड नीचे आप देख सकते हो इंजन कॉल वगैरह देखने को मिल जाता है। कवरिंग पूरी प्रॉपर है, पर ये भाई प्लास्टिक ही है, कोई मेटल तो है नहीं, एंड ये भी सब फाइबर का ही देखने को मिल रहा है। लिक्विड कूल इंजन के साथ में आती है, 3 स्पार्क प्लग टेक्नोलॉजी इसमें देखने को मिलती है एंड जो इंजन है वो 250 cc का देखने को मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 24.1 BHP के एंड टॉर्क 21 Nm का, अप्रॉक्सीमेटली 21 Nm का टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है इंजन। एंड सिंगल सिलेंडर इंजन ही है, बट इसमें आपको 3 स्पार्क प्लग टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती हैं। वो तो आपको बजाज स्पार्क प्लग टेक्नोलॉजी अपनी ज़्यादा ही देता है स्पार्क प्लग्स, जिससे आपको ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होए तो उस वजह से आपको दिया जाता है। छोटे से लेग गार्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है। पेट्रोल टैंक पर आप देख सकते हैं पल्स की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है एंड ये फाइबर है, ये भी सब फाइबर है। यहाँ पर आपको मेटल देखने के लिए मिल रहा है पेट्रोल टैंक, बट ये सारी कवरिंग आपकी टोटल फाइबर में ही देखने को मिल रही है। ब्रेक पेडल काफ़ी अच्छा है एंड यहाँ पर ब्रेक ऑयल, फ्लेक्सिबल फुटरेस्ट फ्रंट का, नॉर्मल मेटल फुटरेस्ट रियर का एंड छोटा सा आपका साइलेंसर इसमें देखने के लिए मिल रहा है, ब्लैक एंड ग्रेइश कलर में इसमें आपको देखने को मिल जाता है। रियर ब्रेक जैसे मैंने आपको बताया 230 mm का देखने के लिए मिलता है एंड डुअल चैनल ABS के साथ बाइक आती है। रियर टायर भी आपका यहाँ पर 17 इंचेस का देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन जो विड्थ है टायर की वो 130 mm से देखने के लिए मिल जाती है विड्थ। तो विड्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको प्रोवाइड करी गई है टायर पे। बाइक पे जैसे आप पीछे आते हो तो आपको यहाँ पर F250 की भी बैजिंग देखने को मिल जाती है। रियर सेक्शन से भी एक बार बाइक को देख लेते हैं। रियर सेक्शन से आपको बाइक कुछ ऐसी दिखती है एंड देख सकते हैं ये नए टाइप के यहाँ पर टेल लैम्प्स देखने को मिल रहे हैं, ये LED में है। नीचे आपको नंबर प्लेट सेक्शन बल्ब में एंड यहाँ पर भी बल्ब लाइट देखने को मिलती है, LED नहीं मिल रही है। नंबर प्लेट सेक्शन आपका, नीचे रिफ्लेक्टर एंड रियर टायर का भी आपको कवरिंग देखने को मिल जाती है, प्लस इसमें ना साइड कवरिंग भी देखने के लिए मिल रही है। वैसे तो इसमें कोई बैठता नहीं है लेडीज़, क्योंकि इसमें कोई लेडीज़ फुटरेस्ट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हाइट भी है इस वजह से भी, बट स्टिल यहाँ पर आपको टायर पे कवरिंग देखने को मिल जाती है। ओपन चेन सेटअप, मिडिल स्टैंड, साइड स्टैंड सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। बस यार ये चीज़ मेरे को लगती है कि आप इतनी सारी पावर दे रहे हो और जो ट्रांसमिशन है वो आपका 5 स्पीड के ट्रांसमिशन ही आप दे रहे हैं। यहाँ पर यार 6 स्पीड के ट्रांसमिशन तो देना चाहिए था, वो ज़्यादा बेटर रहता एंड जो गियर लीवर है वो भी आपका हाफ़ है, इसमें आपका फर्स्ट गियर आगे की साइड, बाकी 4 गियर ऊपर की साइड एंड जो चेन है, चेन्स आप देख सकते हैं ओपन चेन सेटअप, प्लस ABS की बैजिंग आपको आगे की साइड देखने को मिल रही है, रिफ्लेक्टर देखने को मिल रहा है, ग्राफिक्स आप देख सकते हैं
ग्रेइश वाइट कलर के हैं, इस पर ग्राफिक्स, फ्यूल मीटर। भाई ये कुछ रिफ्रेशमेंट सा आया है, ये बिल्कुल अलग है, ऐसा बजाज में मैंने पहली बार देख रहा हूँ कुछ ऐसा। एक बार देखते हैं इनिशियली इसको ऑन करके, की भी इसकी चेंज कर दी गई है, आप देख सकते हैं की भी इसकी चेंज कर दी गई है। सो आपने देखा गाइस, ये नॉर्मली यहाँ पर आरपीएम मीटर आपको देखने को मिल रहा है, स्पीडोमीटर यहाँ साइड में देखने को मिल रहा है, गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है, एंड काफ़ी सारे अदर ऑप्शंस भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आप इन बटन से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से या यहाँ से आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वैसे तो अभी ये लॉक्ड है, ये सब कुछ अभी ओपन नहीं है, तो इसलिए चल नहीं रहे हैं। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट टाइम एंड आपका एवरेज वगैरह सब कुछ देखने को मिल रहा है, ऑडोमीटर वगैरह एंड जितने भी नए फीचर्स आ रहे हैं सारे के सारे इसमें देखने को मिल जाते हैं। एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इस बाइक में अभी भी नहीं दी है, मे बी इन फ्यूचर शायद आ जाए। एंड साइड में देख सकते हैं आप, आपको और सारी वार्निंग लाइट्स वगैरह सब देखने को मिल जाती हैं। एंड ये जो है ना, ये आप देख पा रहे हैं, ये बैकलाइट देखने को मिलते हैं, स्विच गियर सेटअप नॉर्मल, वही पास स्विच हमारा, हाई बीम लो बीम, इंडिकेटर स्विच, हॉर्न सुने मरा हुआ सा ऑन लगा यार मेरे को। एंड यहाँ पर आप इंजन किल स्विच देख सकते हैं, एंड ये हमारा नीचे सेल्फ देखने को मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स इसमें देखने को मिल जाता है। हैंडल जो है आपका यहाँ पर क्लिप ऑन हैंडल देखने को मिल रहा है, ग्रिप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं हैंडल की ये, एंड जो फिट फिनिश है वो बहुत सही दी गई है। यहाँ पर ना आपको चार्जिंग स्लॉट के लिए भी, चार्जर के लिए भी ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हो यूएसबी चार्जर यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है पेट्रोल टैंक के ऊपर। बड़ा सही है यार, ये काफ़ी ज़्यादा टाइट है, तो मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक इशू तो वगैरह नहीं आने वाला है आपको। पेट्रोल टैंक आपका यहाँ पर 14 लीटर का पेट्रोल टैंक है, इतनी बाइक में मे बी सही रहे, बट 250 सीसी की बाइक है, जो ARAI क्लेम्ड माइलेज है वो 37.1 KMPL का, मतलब 37 किलोमीटर्स का है वह, एंड वो ऑन रोड वेरी कर सकता है, उसमें आपका जब भी आप राइड करेंगे उसके हिसाब से वो वेरी कर सकता है। तो इसकी जो मेरिट प्राइसिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 241,000 है, बाकी आपको जो भी ऑन रोड प्राइस है वो आपके सिटी के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है। सिटिंग कंफर्ट मैं एक बार दिखा देता हूँ, सिटिंग कंफर्ट कैसा है, सिटिंग मैं एक बार बैठ जाता हूँ या बता देता हूँ, मैं दिखाने की हालत में तो हूँ नहीं कि मैं अपने आपको दिखा पाऊँ। सीट्स पहले से ज़्यादा कुशनिंग बेटर कर दी गई है, पिलियन सीट का भी जो विड्थ है वो पहले से बढ़ा गया है, एंड जो यहाँ पर हम्प होता है वो भी बहुत कम है, तो पिलियन को भी इशू नहीं होगा। ग्रैब हैंडल्स आपके मेटल में है, एक बार बैठ जाते हैं देखते हैं थाई सपोर्ट वगैरह कैसा है इस बाइक पर। सो भाई आपको जो पैर है वो थोड़ा सा पीछे की साइड जाता है ऐसे, मैं इसीलिए कह रहा था कि मैं दिखाने की हालत में नहीं हूँ, सिर्फ अपनी बाइक सर्विस कराने आया था, ये दिख गई तो हमने ये भी शूट कर लिया है। एंड देख सकते हो यहाँ पर थाई सपोर्ट बहुत बेटर दिया गया है यार, बहुत ही बेटर थाई सपोर्ट है, एंड जो सीट है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कुशनिंग के साथ में आ रही है, तो सीट भी मेरे को काफ़ी सही लग रही है, सीट में भी इशू नहीं है। सो गाइस एक बार साउंड सुन लीजिए बाइक की, देखो मैं एक्सीलरेटर देता हूँ, साउंड मेरे को इस बाइक की पर्टिकुलर ज़्यादा पसंद आई है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो में इतना ही, चलिए थैंक यू।